थाना हाईवे इलाके के आरकेपुरम में सुबह तड़के 3 बजे आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर पे बोला धावा। घर में मौजूद 3 लोगों के साथ जमकर की मारपीट। नकदी जेवरात लूटकर फरार हुए बदमाश। गंभीर हालात में घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटनास्थल पर पहुंचे आईजी सतीश गणेश ने 4 टीमों का किया गठन। घटना के जल्द खुलासे की बात कही। सनसनीखेज वारदात थाना हाईवे इलाके के आरकेपुरम की है, जहां प्रेम सिंह के घर पर आधा दर्जन बदमाशों ने सुबह करीब 3 बजे हमला बोल दिया। घर में प्रेम सिंह और उनकी पत्नी और उसका भाई मौजूद था। आधा दर्जन बदमाशों ने हथियारों के बल पर जमकर तीनों के साथ मारपीट की और नकदी जेवरात लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जिस तरह बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है, इससे पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही आईजी सतीश गणेश भी घटना स्थल पर पहुंच गए और घटना स्थल का जायजा लिया, जिसके बाद आईजी सतीश गणेश ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी की। साथ ही एसएसपी को भी घटना के अनावरण के लिए सख्त निर्देश दिए। आईजी सतीश गणेश ने घटना के खुलासे के लिए आगरा साइबर सेल सहित 4 टीमों का गठन किया है और जल्द ही घटना के अनावरण की बात कही है। मैं रहने वाली तो ना ससुराल में तो शादी हुई और उस परिवार में मेरी क्या क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ ये घटना हुई क्योंकि गेट पर थे चढ़े ऊपर थे, एक चढ़ के गेट खोलो, गेट खोलने के बाद ससुर मेरे सोरे बाल लेकर उन्होंने उनकी लगानी कुंदी कुंदी लगा के फिर अंदर गए। अंदर थे सामान सटो ले के फिर जिनमें मारपीट की है मेरी बहन की चाय नहीं ऊपर छत पर सो रही। कितने लोग थे, कितने लोगों ने मारपीट करी? 5-6 जने। अच्छा, और क्या क्या लूटपाट करी है इन लोगों ने? सामान ले गए लेकर। क्या क्या सामान लेके गए? जिले में आरकेपुरम कॉलोनी है जो कि रेलवे लाइन के किनारे है, वहाँ पे आज भोर में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक मकान था जिसमें ये प्रेम हैं उनका मकान है। तो उस मकान में करीब 4 या 5 बदमाश जो है, अभी ये संख्या क्लियर नहीं है, ये लोग घुसे थे और मकान की नवीयत इस तरह से है कि उसका जो मुख्य गेट है, मुख्य गेट के ऊपर काफ़ी जगह है, पता बदमाश उसी में से कूद के अंदर आए हैं और उन्होंने घर के जो लोग थे जिसमें प्रेम है, उनके छोटे भाई प्रेमपाल हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं और उनकी पत्नी है, तीनों लोगों को उन्होंने लाठी डंडों से चोट पहुँचा कर उनके कान के जो महिला है उनके कान की बालियां वगैरह नोच ली हैं। इसके अलावा उनके संदूक में कुछ कीमती जेवरात वगैरह रखे थे, उन जेवरातों को अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचना दी है, पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं। मैं भी अभी आगरा से चल के यहाँ पर आ चुका हूँ और हम लोग का प्रयास ये है कि इस घटना का अनावरण शीघ्र करें और जो घायल हैं उनकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मेरी सीएमएस साहब से बात हुई है। उनका एक्सरे भी कराया जा रहा है, उनका सीटी स्कैन भी कराया जा रहा है। यद्यपि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनकी बेहतर इलाज की दृष्टि से जिलाधिकारी से वार्ता की जाएगी और समुचित चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। और इस घटना का शीघ्र अनावरण करने के लिए हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है। इसमें जो हमारी साइबर सेल है आगरा की, उनके पास विशेष दक्षता है इस प्रकार के अपराधों को अनावरण करने की, तो उनकी टीम भी वहाँ से हमने अपनी टीम रवाना की है और वो जल्दी आके यहाँ पे जो बाकी फॉलोअप का कार्य है, किन बदमाशों ने यह घटना की है उनको चिन्हित करने का और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने का, ये हम लोगों ने प्लान किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस घटना का सफल अनावरण भी हम लोग करेंगे और साथ ही साथ जो हमारे मजबूर हैं उनका भी बेहतर इलाज करें। जैसा बावरिया की घटना से इनका क्या लगता है? नहीं देखिए, ऐसा है कि ये कहना अभी मुश्किल है, ये बहुत जल्दबाजी है। हम लोग सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं और जैसा होगा उसमें डेवलपमेंट होगा, उसके बारे में आपको समय समय पर हम लोग अपडेट देते रहेंगे। आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह घटना हुई है इस तरह को बावरिया गैंग ने अंजाम दिया होगा। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर कार्रवाई में जुटी है और जल्द ही घटना अनावरण की बात कह रही है। खबर जगत 24 न्यूज मथुरा से
अमित गोस्वामी की रिपोर्ट।